का स्वागत है आज के Dream11 टीम पर। तो आज का जो मैच है उस मैच में हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद और CSK के बीच ये मैच चलेगा। तो इस मैच का जो ड्रीम इलेवन टीम रहेगा उसको हम अभी वॉच करेंगे। सो आप अगर हमारे चैनल में बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए, और इस वीडियो अगर आपको पसंद हुआ तो आज लाइक करना मत ही भूलिए और आपके फ्रेंडों से शेयर करना भी मत भूलिए। सो चलते हैं आज का ड्रीम इलेवन टीम पर। सो यहाँ पर मैं क्रिएट टीम वन पे मेरा फर्स्ट टीम जो एकदम बहुत अच्छा से खेलेगा 100 क्रेडिट्स में उसको मैं बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि आप अगर देख सकते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी का जो फॉर्म अभी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे फॉर्म पे वो है। और अगर आप चाहते हैं तो बैरिस्टो को अब ले सकते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि बैरिस्टो पिछले कुछ मैचों में बहुत अच्छे खेले थे। सो बैरिस्टो का तो इस मैच में भी फॉर्म रहना चाहिए। पर सनराइजर्स हैदराबाद और जो किंग्स इलेवन पंजाब के बीच जो मैच हुआ था उनमें बैरिस्टो कुछ अच्छा फॉर्म नहीं खेल पाए। सो बैरिस्टो का जो फॉर्म अभी CSK के बीच रहने वाला है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा खासा फॉर्म और रख नहीं सकते, क्योंकि CSK का जो बॉलिंग अभी चल रहा है इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स है उसके पास। दीपक चाहर बहुत अच्छे अच्छे बॉलर है, शार्दुल ठाकुर, सो इमरान ताहिर, इन लोगों के बीच बैरिस्टो का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रह सकता है। सो बैरिस्टो का आज हम नहीं ले रहे हैं इसके वजह से ही। तो यहाँ पर हम अभी धोनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम आते हैं बैट्समैन पर। बैट्समैन पर आप जो देख सकते हैं कि डेविड वार्नर है यहाँ पर हमारे साथ। डेविड वार्नर को आप ले सकते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर का जो फॉर्म है अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म पे है। वो जो कमबैक किया है उसके बाद उसका 100 और उसके बाद उसका जितना अच्छा पॉइंट्स था उसमें से तो डेविड वार्नर बहुत ही अच्छे फॉर्म पे है, ये तो आप समझ चुके ही होंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा स्कोर उन्होंने खड़ा किया था बोर्ड्स पर। सो डेविड वार्नर को आपको लेना चाहिए, और डेविड वार्नर एक स्टेबलाइज बैट्समैन है। सुरेश रायना भी अच्छे फॉर्म पे हैं, पर लास्ट कुछ मैचों में सुरेश रायना उतना अच्छा खेल प्रदर्शन नहीं कर पाए। सो सुरेश रायना को मैं अभी आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि सिलेक्ट करने के लिए। शेन वाटसन को आप इस IPL पे मत लीजिए, क्योंकि ये जो मैच होने चला है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ CSK का, वहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी बहुत अच्छे अच्छे बॉलर है। उन लोगों के पास जो पेसर्स हैं उसमें शेन वाटसन का बल्ला बहुत अच्छा नहीं चल सकता, और IPL 2019 पर शेन वाटसन उतना अच्छा कुछ फॉर्म प्रदर्शन नहीं कर पाए। सो शेन वाटसन को अभी हम नहीं ले रहे हैं। सुरेश रायना को भी हम नहीं ले रहे हैं। अब जो हम यहाँ पर ले सकते हैं केन विलियमसन को, पर केन विलियमसन का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपको ज़रूर लगे कि कोई ओपनर को लेना चाहते हैं तो डेविड वार्नर तो वहाँ पर है ही, और यहाँ पर आप अगर चाहे तो शेन वाटसन और केन विलियमसन इन दोनों के बीच कोई एक को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों दो टीम से है और यहाँ पर दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं। पर 2019 IPL पर दोनों का फॉर्म इतना अच्छा कुछ नहीं रहा, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इन दोनों को मत लीजिए। पर अगर आपका सोच रहे कि आप एक ओपनर को ले सकते हैं तो यहाँ पर शेन वाटसन और केन विलियमसन पे बीच दोनों के किसी एक को आप ले सकते हैं। और अब हम आते हैं अंबाती रायडू पर। रायडू का पिछला मैच में रायडू उतना अच्छा नहीं खेल पाए, बट रायडू का फॉर्म जो है बहुत ही अच्छा फॉर्म पे है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके पहले की मैच में उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर खड़े किए थे। सो आप यहाँ पर तो रायडू को ले ही सकते हैं, और इसलिए आप रायडू को ले सकते हैं क्योंकि रायडू एक अच्छा बैट्समैन है, स्टेबलाइज बैट्समैन है, और सनराइजर्स हैदराबाद का जो मिडिल स्टैंडर्ड बॉलिंग है उन पर रायडू बहुत अच्छे खेल सकते हैं। सो आप रायडू को ले सकते हैं, और डुप्लेसिस को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डुप्लेसिस बहुत अच्छे खेल रहा है या इस IPL पे डुप्लेसिस का फॉर्म भी बहुत अच्छा है, वो पकड़ के खेल सकते हैं। सो डुप्लेसिस को भी आप इस IPL पर ले ही लीजिए। मैं यहाँ पर दोनों में से सिलेक्ट कर लेता हूँ डुप्लेसिस को। रायडू को हम बाद में सिलेक्ट करेंगे अगर उतना अच्छा कोई बैट्समैन हमें नहीं मिला फॉर्म पर। फिर आते हैं केदार जाधव। जाधव एक अच्छा बैट्समैन है, जाधव को आप ले सकते हैं। जाधव और रायडू से कोई एक को आप ले लीजिए, क्योंकि दो ही अच्छे बैट्समैन हैं, पर अगर दोनों में किसी का भी फॉर्म सही नहीं रहा तो एक का फॉर्म सही रहेगा ही। सो इन दोनों में से कोई एक को आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाधव का
ऑब्वियसली ले लीजिए, क्योंकि जादव का फॉर्म इस आईपीएल पे रायडू से भी बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर मैं यादव को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर उतना अच्छा कोई बैट्समैन नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विजय शंकर एक बैट्समैन नहीं थे, ये ऑलराउंडर थे, पर उनका बॉलिंग इतना घटिया हो रहा है कि उनको अभी बैट्समैन पर ही सिलेक्ट कर दिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद से। सो विजय शंकर को आप मत ही लीजिए। अब हम आते हैं ऑलराउंडर्स पर। ऑलराउंडर्स पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्वेन ब्रावो पिछले कुछ मैचों में नहीं खेले थे। सो ड्वेन ब्रावो को आप अभी नहीं सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उनका जो कमबैक फॉर्म होगा वो उतना अच्छा नहीं हो सकता। फिर आते हैं मोहम्मद नबी। नबी एक अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, तो उनको तो आप सिलेक्ट कर ही सकते हैं। इस आईपीएल पे भी उसका प्रदर्शन अच्छा था। फिर आते हैं जादेजा। जादेजा तो बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं, पिछले मैच में भी जादेजा का फॉर्म बहुत ही अच्छा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पर अगर हम दिखाए तो उनका जो फॉर्म था बहुत ही अच्छा था। सो जादेजा को तो आप ले ही लीजिए, मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि जादेजा को आप ले लीजिए। फिर आते हैं शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन पिछले कुछ मैचों में तो नहीं खेले थे, और जिन मैच में वो खेले भी थे उनमें भी उसका फॉर्म प्रदर्शन कुछ भी अच्छा नहीं था, इसलिए उनको बिठाया गया। तो यहाँ पर तो उनका कोई लेने का चांस ही नहीं बनता है। फिर आते हैं सेंटनर। सेंटनर एक अच्छा ऑलराउंडर है, और वो जैसे पिछले मैच पे अंतिम बल पे 6 मारे थे, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि सेंटनर को इस मैच पे बहुत ही अच्छे फॉर्म पे आप देख सकते हैं, और उनका जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा जाके पहले सेंटनर को नमाया जाएगा बैटिंग लाइनअप पे। सो आप सेंटनर को इस मैच के लिए तो ले ही लीजिए। मैं आपको डिटेल समझ दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको तो लाइक कर ही दीजिए, और अगर हमारा जो पॉइंट्स है वो भी आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर यहाँ पर आते हैं बॉलिंग। बॉलिंग पर आप देख सकते हैं कि ताहिर, इमरान ताहिर का जो लास्ट मैच था उस पे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किया था। मैं भी उस लास्ट मैच पे इमरान ताहिर को कैप्टेंसी दिए थे, और हम बहुत अच्छे पॉइंट उनसे ले लिए थे। 92 पॉइंट्स पाए थे, जहाँ पर उनका एक्चुअल पॉइंट्स था 46। सो आप तो समझ ही चुके होंगे कि हमारा प्रेडिक्शन कितना अच्छा रहा है। सो इमरान ताहिर को मैं बोलता हूँ कि इस मैच के लिए इमरान ताहिर बहुत ही अच्छे खेलेंगे। सो इमरान ताहिर को तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आते हैं राशिद खान। राशिद खान भी बहुत अच्छे बॉलर थे, पर लास्ट मैच पे मैं राशिद खान को सिलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि लास्ट मैच में उसका बॉलिंग उतना अच्छा नहीं रहेगा। पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस मैच पे राशिद खान बहुत ही अच्छे बॉलिंग करेंगे, तो आप तो राशिद खान को ले ही लीजिए। मैं भी मेरे एक्चुअल टीम को राशिद खान को रख लिया हूँ। फिर आते हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को आप अगर देख सकते हैं तो उनका पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, पर हरभजन सिंह लास्ट मैच में नहीं खेले थे, नहीं उसके पहले मैच में नहीं खेले थे, और उसके पहले के मैच में भी नहीं खेले थे। सो हरभजन सिंह का इस मैच में खेलना उतना प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है। सो प्रोबेबिलिटी से अगर हम बोले तो आप हरभजन सिंह को इस मैच में तो नहीं लीजिए। फिर आते हैं यहाँ पर दीपक चाहर। दीपक चाहर एक अच्छे बॉलर हैं, इस आईपीएल पे उनका फॉर्म भी बहुत ही अच्छा है। केकेआर और सीएसके के बीच जो मैच हुआ था उन पे दीपक चाहर बहुत ही अच्छे बैटिंग किए थे। सो यहाँ पर तो आप दीपक चाहर को ले ही लीजिए। फिर आते हैं शार्दुल ठाकुर। मैं एक बात आपको समझ दे रहा हूँ कि आप अगर दीपक चाहर को लेते हो तो शार्दुल ठाकुर को मत लीजिए, और अगर दीपक शार्दुल ठाकुर को लेते हैं तो दीपक चाहर को मत लीजिए। पर मेरा जो सजेशन है तो यहाँ पर दीपक चाहर को ही ले लीजिए, क्योंकि दीपक चाहर का जो फॉर्म है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है इस आईपीएल पे। फिर आते हैं इन तीन बॉलर। ये जो तीन बॉलर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन तीन बॉलर का पॉइंट जो भी हो वो तीन बॉलर ही बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर संदीप शर्मा का जो फॉर्म है वो इस आईपीएल में बहुत ही अच्छा फॉर्म पे है, आप देख सकते हैं। हाँ देखिए, पर लास्ट के जो फॉर्म्स हैं उन पे उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया थे। सो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि संदीप शर्मा का आप नहीं सिलेक्ट कीजिए, उससे अच्छा होगा भुवनेश्वर कुमार आपके लिए। पर एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि इस मैच पे सिद्धार्थ कौल का जो बॉलिंग स्टेमिना है, उनका जो बॉलिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही अच्छा है। और एक बात देख लीजिए कि यहाँ पर सिलेक्टेड में सिद्धार्थ कौल को बहुत ही कम लोगों ने रखा है, तो आप यहाँ पर सिद्धार्थ कौल को लीजिए, क्योंकि वो जो पॉइंट आपको देंगे उन पर आप भरोसा करके बहुत ही ऊपर चले जा सकते हैं पॉइंट्स टेबल पर। सो यहाँ पर सिद्धार्थ कौल को ही आप ले लीजिए।
यहाँ पर हमारा टीम तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उतना अच्छा कोई बॉलर्स भी नहीं है। सो ये जो टीम आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये टीम बहुत ही अच्छा है। फिर हम जाते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन पर। यहाँ पर मैं आपको ठीक से समझ दे लूँगा कि आप किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो मैं और एक बार कह रहा हूँ कि इस वीडियो पर आप लाइक तो कर ही दीजिए और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ड्रीम 11 की हर एक टीम को हमको दिखा देते हैं और हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो भी आपके पास पहले ही चला आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कैप्टन सिलेक्शन करेंगे। कैप्टन सिलेक्शन पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर जाके दिखाता हूँ आपको, महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही अच्छे फॉर्म पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविड वार्नर भी इस आईपीएल पे बहुत ही अच्छे फॉर्म पे है। सो इन दोनों के बीच आप किसी एक को तो कैप्टन सिलेक्ट कर ही सकते हैं। और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं इमरान ताहिर भी बहुत अच्छे फॉर्म पे हैं, दीपक चाहर भी बहुत अच्छे फॉर्म पे है। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई बैट्समैन को कैप्टन सिलेक्ट करते हैं तो वाइस कैप्टन बॉलर को ही सिलेक्ट कीजिए और ऑलराउंडर को ही सिलेक्ट कीजिए। दो बैट्समैन को कैप्टन और वाइस कैप्टन कभी भी मत सिलेक्ट करना, क्योंकि एक का बल्ला अगर बहुत अच्छा चलता है तो दूसरे का बल्ला बहुत अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट होता है उस पर बेस करके ये सब चीज़ चलता है। सो आप अगर धोनी को कैप्टन करते हैं तो डेविड वार्नर को वाइस कैप्टन मत कीजिए, पर मेरा सजेशन है यहाँ पर आप डेविड वार्नर को ही वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर लीजिए, सॉरी कैप्टन सिलेक्ट कर लीजिए और वाइस कैप्टन में इमरान ताहिर और दीपक चहर के बीच दोनों में से कोई एक को आप वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। राशिद खान को इस मैच के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ वाइस कैप्टन सिलेक्शन पर, और डुप्लेसिस को भी आप रख सकते हैं, वो अच्छे बैट्समैन हैं, पर केदार जाधव को आप मत रख दीजिए। और यहाँ पर आपका जो सजेशन रहेगा आप डेविड वार्नर को ही कैप्टन सिलेक्ट कीजिए, वो बहुत अच्छे फॉर्म पे हैं। डुप्लेसिस को आप नहीं रखिए इस मैच पर, क्योंकि वो इन मैच पे अच्छा खेल भी सकते हैं ना भी खेल सकते हैं, पर टीम पे उसको जरूर रखिए। जाधव को नहीं सिलेक्ट कीजिए क्योंकि इस आईपीएल पे उसका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। धोनी को भी आप रख लीजिए, पर कैप्टन डेविड वार्नर ऑब्वियसली धोनी से ज़्यादा अच्छे खेलेंगे। और यहाँ पर वाइस कैप्टन सिलेक्शन पे इन दोनों के बीच कोई एक को आप रख लीजिए, क्योंकि दोनों ही अच्छे बॉलर हैं। राशिद खान को मैं बोल रहा हूँ इस मैच के लिए ऑफ कर दीजिए, सेंटनर तो बहुत ही अच्छे खेलते हैं, जादेजा पे मेरा पूरा भरोसा है वो इस मैच में अच्छे खेलेंगे। मोहम्मद नबी एक ऑप्शन पे रहता है कि वो कैसे खेलेंगे, पर ऑलराउंडर के बीच मोहम्मद नबी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, उनके सिवाय कोई अच्छा ऑलराउंडर अभी इस टीम पे नहीं है। सिद्धार्थ कॉल भी अच्छे खेलेंगे। सो अब आपका सिलेक्शन, आप इन दोनों के बीच किसको वाइस कैप्टन करेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि मैं दीपक चाहर और इमरान ताहिर के बीच एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, पर मैं यहाँ पर इमरान ताहिर को ही वाइस कैप्टन सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए, वाइस कैप्टन सिलेक्शन तो हो गया, कैप्टन सिलेक्शन भी हो गया, डेविड वार्नर को कैप्टन और यहाँ पर इमरान ताहिर को वाइस कैप्टन। सो सेव द टीम एंड लीग आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कौन सा लीग ज्वाइन करेंगे वो आपके ऊपर डिसाइडेड होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल पर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए उसका बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय।